बैक टू माय चैनल। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है सोमवार और ये वाला साड़ी देखकर सोच रहे होंगे आप लोग कि स्पेशल कुछ है, तो जरूर स्पेशल कुछ है क्योंकि ये वाला जो है मेरा पूजा वाला साड़ी है। तो मंदिर नहीं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ भाभी के घर। वहां आज होगा सत्यनारायण जी का पाठ, तो फिर वहीं जा रही हूँ, आप लोग को भी लेकर चलूंगी। हम लोग के यहाँ कैसे होता है सत्यनारायण जी का पाठ, तो वो आप लोग के साथ शेयर करूंगी। आप लोग वीडियो में बने रहिए, देखिए, और फिर मौका मिलेगा तो और भी कुछ दिखा दूंगी आप लोगों को, स्पेशल कुछ दिखाऊंगी घर आने के बाद। फिर क्या करें, सब कुछ आप पानी मिल दे रही हूँ, रुको। तो अभी मैं तैयार हो गई हूँ, साथ में बेटी जा रही है, उसके पापा चल गए हैं ड्यूटी, और मैं तैयार हो गई हूँ। अभी 11 बजने जा रहा है, पंडित जी जो हैं वो 11 बजे पहुंचने वाले थे, तो वो भी यहाँ पर खा रही है। और 11 बजे पंडित जी टाइम दिए थे, तो फिर 11 बजने जा रहे हैं, हम लोग अभी तुरंत ही निकल जाएंगे। बस आप लोग अगर मेरे चैनल में नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन में ऑल कर दीजिए, जिससे कि हर आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। और कुछ पुराने वीडियोज को देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और इंस्टाग्राम में फॉलो करना चाहते हैं तो आईडी भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और हाँ, मैं ना आज देखिए इयररिंग पर नहीं पहनी हूँ, क्योंकि मेरा कान जो है बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा था कल से, तो फिर कल मैंने इसको उतार दिया है। पिछला ब्लॉग में भी आप लोग नोटिस किए होंगे, तो उतार दिया है, पर सुना सुना दिख रहा है ना कान, क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा ये वाला नहीं, ये कान में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो फिर कल बोरोलिन वगैरह कुछ लगा दी थी, तो आज देखती हूँ थोड़ा सा दर्द घटेगा तो कल तक पहन लूँगी वापस से फिर से। तो चलिए चलते हैं भाभी के घर, मेरी बेटी का खाना भी हो गया। इनको फ़ोन करते हैं, किसी को अगर आने के लिए बोलते हैं ना लेने के लिए, तो देखती हूँ बना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और हम लोग के यहाँ ना, आप लोग को बोलना भूल गया, हम लोग के यहाँ ना डिफरेंट तरह का लगता है प्रसाद, तो क्या प्रसाद लगता है क्या नहीं आप लोग को दिखाऊंगी। और अगर आप लोग के वहाँ भी वो प्रसाद लग, नहाई हो या नहीं बताओ, मुंह पहले पोछ लो जाओ, वहाँ इस तरह का कुछ डिफरेंट प्रसाद बनता है, तो आप लोग के वहाँ बनता है कि नहीं ये वाला प्रसाद, मैं आप लोग को जो दिखाने वाली हूँ आज तो बताइएगा। और ये वाला साड़ी ना मैं आज इसीलिए पहनी क्योंकि मेरे पास याद नहीं आ रहा था कि कौन सा साड़ी धुली हुई है कौन सा नहीं, तो फिर चलो भाई इसी को ही पहन लेते हैं, क्योंकि ये मेरा पूरा शुद्ध साड़ी है जो कि मैं पूजा के लिए स्पेशली पहनती हूँ। तो आज अच्छा दिन भी है, साथ में इतना अच्छा पूजा भी है, मतलब इतना ये बढ़िया पूजा है, तो फिर इसी वजह से मुझे लगा कि यही साड़ी पहन लेते हैं। बाकी ऐसे भी कॉटन साड़ी पहन सकती थी, पर याद नहीं आ रहा था ना किसमें खाई हूँ कौन सा साड़ी में नहीं खाई हूँ, तो चलिए ये भी हड़बड़ा रही है, हम लोग निकलते हैं। हम लोग निकल गए हैं बाहर, तो इनको फ़ोन की थी, ये बोले नहीं मैं पहुँचा दूंगा, तो ये खुद आ रहे हैं, तो मुझे लग रहा था ना कि हम लोग यहाँ पैदल पैदल चल जाएंगे, मत जाओ पापा आ रहे हैं, तो हम लोग निकल रहे हैं घर से, ये भाग रही थी, तो चलिए वेट कर लेते हैं इनका 2 मिनट, ये पहुंच जाएंगे और हम लोग पहुंचा देंगे। ज़्यादा धूप है ना, धूप कहाँ है, अच्छा हम लोग के यहाँ पूरा बादल बादल किया है, पूरा वेदर बादल बादल हो रखा है, तो इसी वजह से ठंडा भी नहीं है आज बिल्कुल भी। देखिए शेडो बन रहा है, धूप है, शेडो बन रहा है मतलब धूप है, धूप एकदम हल्का सा है। वेट करते हैं इनका, ये आ जाएंगे फिर हम लोग जाएंगे। और यहाँ पर देखिए पंडित जी भी आ गए हैं और सारा कुछ तैयारी भी हो गया है, क्योंकि मैं आप लोगों को बता रही थी ना कि 11 बजे का टाइम दिए हैं, तो हम लोग का वेट हो रहा था और एक भाभी का भी वेट हो रहा था, तो इसी वजह से पूजा जो है शुरू नहीं हुआ है। तो यहाँ पर देखिए ये सब प्रसाद भी तैयार हो गया है, भाभी सुबह उठकर सब कुछ तैयार करके रखी है, और आज खुशी ने साड़ी पहनी थी, बहुत प्यारी लग रही थी। मैं यहाँ पर बैठकर पंचामृत बना रही हूँ, जैसे पहुँची बस यही काम बचा था, तो फिर लगा चलो भाई मेरे हाथ से कुछ ना कुछ भगवान के लिए होगा, तो इसी वजह से पंचामृत को मैं बनाई। और यहाँ पर देखिए केला पत्ता से सिंहासन के ऊपर रखा गया है केला पत्ता को, पर मेरे माई के तरफ ना जो है हम लोग का तीर लगता है, तो वो तीर लगता है वहाँ पर, बस यहाँ ये डिफरेंट है। और यहाँ पर मेरा पंचामृत तैयार हो गया है, और क्या क्या प्रसाद दिखा रही हूँ मैं आप लोग को, चलिए प्रसाद लगता है चूरमा, ये है ना पंजीरी, चूरमा, पंजीरी, हाँ। और एक लगता है ना जो हम लोग का केला दूध का सिडनी वाला, हरि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरी काक्ष मंगलाय तनोहर, ओम श्रीखं चंदन दिव्यं सुमनोहरं विलेपनं सुराशिष्टः चंदनं प्रति गृहीतं
गणाधिपतये नमः। और ये जो थाली कवर देख रहे हैं ना उनका, तो ये सब ना भाभी की मम्मी बनाई थी, जो कि बहुत सुंदर सुंदर है। उनके घर में ना और भी बहुत सारा था, मुझे आप लोग को लगा कि दिखा देती हूँ थोड़ा सा, जो कि मुझे इतना अच्छा लग रहा है, आप लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा। और यहाँ पर पंडित जी को देखिए खुद से कैसे शंख बजा लेते हैं। और यहाँ पर देखिए हवन भी शुरू हो गया है, तो हम लोग हवन चालू कर दिए हैं। बस मेरे हस्बैंड का वेट कर रहे थे, तो फिर वो आने में जैसे लेट किए ना, लकड़ी सब जलना पूरा जोर जोर से शुरू कर दिया। तो फिर चलो हवन हम लोग करते रहेंगे, वो आ जाएंगे तो वो भी कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग को लग रहा होगा ना कि उनके घर में पूजा हो रहा है तो साथ में हवन हम लोग कैसे कर रहे हैं, तो बात ये है कि हम लोग यहाँ पर अपनी फैमिली की तरह रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी हमें फील नहीं होता है, ना ही वो लोग फील कराते हैं कि हम लोग मतलब अलग फैमिली से हैं, वो लोग अलग फैमिली से हैं। तो भैया भाभी बच्चे सब कुछ जैसे उनका फैमिली है ना, हम लोग को लगता है कि हम लोग भी उन्हीं के ही फैमिली के हैं। और आप लोग तो देख ही रहे हैं उसी दिन से कि हम लोग कैसे उनके फैमिली के साथ किस तरह से रहते हैं, क्या करते हैं, नहीं कभी भी ऐसा पता ही नहीं चलता है कि हम लोग दूसरे फैमिली से हैं। और इसी वजह से हम लोग सब कुछ एक साथ ही ऐसे ही रहते हैं, बस रहते हैं अलग अलग हैं। तो और एक चीज़ ना, और ये जो पंडित जी को देख रहे हैं वो हम लोग के घर में ही पूजा हमेशा से करते हैं, क्योंकि उनके पूजा के अलावा हम लोग को किसी का पूजा जो मन में शांति होता है ना वो नहीं मिलती है। तो इसी वजह से वो फ्री नहीं रहते हैं, तो भले हम लोग पूजा को कुछ दिन टाल देते हैं पर उनके बिना हम लोग पूजा नहीं कराते हैं। और आज ये वाला पूजा ना दो जगह होता, यहाँ भी होता हम लोग के वहाँ भी होता, पर हम लोग सोचे कि माँ बाबा आ जाएंगे ना तो उसके बाद हम लोग कराएंगे, तो इसी वजह से कि हम लोग से कहीं भूल चूक ना हो जाए। तो चलो भाई एक जगह आज भाभी के वहाँ हो रहा है और नेक्स्ट डे हम लोग के वहाँ होगा। तो मेरे हस्बैंड अभी आ चुके हैं, चलिए हम लोग हवन कंप्लीट करते हैं, फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या हो रहा है। उसी में डाल दीजिए तो बाय 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 भैया। रुको 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 पिकू, बाय भैया, बाय बाय, बाय बाय। निकाल लिया स्कूटी को, हम लोग अभी निकल रहे हैं यहाँ से, पूजा पाठ सब कुछ खत्म, चलिए घर चलते हैं, फिर मिलते हैं। वहाँ से आने के बाद मैं चेंज की, फिर इनके लिए शरबत बनाई, ये शरबत पी के वापस निकल गए और मैं आ गई छत। मुझे थोड़ा ना आज नींद लग रहा है बहुत जोर का, तो मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा रेस्ट ले लूँगी नीचे जाने के बाद। बट यहाँ छत पर कपड़ा है और बादल बादल हो रखा है, 3:30 बजने जा रहा है, तो लगा कि चलो भाई अगर आँख लग जाएगी फिर पूरी तरह से छांव हो जाएगा और कपड़ा हो जाएगा फिर से ठंडा, तो इसलिए लगा कि चलो कपड़ा ले आते हैं छत से, फिर रिलैक्स होकर सोएंगे। कपड़ा लेकर जाऊंगी, फिर थोड़ा बहुत बर्तन पड़ा है जो कि शरबत बनाए, और मैं ना अभी शरबत नहीं पी, मुझे बिल्कुल भी मन नहीं किया क्योंकि प्रसाद खाई थी मैं भाभी के घर में और वहाँ पर बना था, जैसे पंडित जी खाए फिर बच्चे लोग भी खाए सब कोई, भाभी वहाँ पर पूड़ी और मटर पनीर साथ में पायस ये तीन बनाई थी और प्रसाद था, तो सब कोई वहाँ पर खाए, पर बेटी के लिए और मैं कुछ बनाई नहीं क्योंकि वहाँ तो इतना लेट खा कर आई है, तो शाम को उसके लिए कुछ बना दूंगी, अभी तो नहीं, अभी थोड़ा नीचे जाकर मैं रेस्ट करूंगी। पहले मुझे ना कल रात ढंग से नींद नहीं आई क्योंकि कल रात गर्मी लग रही थी, बादल बादल हुआ है तो इसी वजह से कल रात गर्मी लग रहा था, तो फिर ढंग से नींद नहीं आया।
तो चलिए कपड़ा ले जाती हूँ यहाँ से, फिर नीचे चलती हूँ। और आज मैं अपना आटा वाला ये कंटेनर को धो दी थी क्योंकि आटा उसमें बहुत थोड़ा सा था, और फिर से मंगाए हैं आज, आ गया है तो उसको डालना है, तो लग रही थी इसको वॉश कर लेते हैं अच्छे से, फिर उसमें वापस से आटा डालेंगे। सूख गया है अभी। और यहाँ पर देखिए क्या कर रही है, वो अपना खाने का इंतजाम कर रही है। वहां से खा कर आई थी ना, तो फिर उसको थोड़ा थोड़ा भूख लगा, तो बोलती है कि क्या बनाएंगे अभी। ब्रेड बर्गर। क्या बना रही हो? ब्रेड बर्गर। ओह, बर्गर तो नहीं, ब्रेड से बर्गर बना रही है। हाँ, तो बन नहीं है तो कैसे बनाओ बर्गर? तो ऐसे ही ब्रेड बर्गर बना रही है, ब्रेड को सेक रही है। थोड़ा थोड़ा ना उसको मैं छोड़ देती हूँ, मैं खड़ी रहती हूँ पास में, जैसे कि गैस स्टोव का यूज कर रही है तो फिर मैं खड़ी रहती हूँ, और ऐसा कुछ कुछ करना वो पसंद करती है तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। चलो करो भाई, सीखो, कोई बात नहीं। दिखाऊंगी आपको कैसे बना रही हूँ। हाँ, मैं तो दिखा ही रही हूँ। हाँ? सबको। ब्रेड फ्रिज में था इसलिए ठंडा हो गया, इससे अच्छा स्मेल आ रहा है तभी जाके इसको छोड़ रहा है। तुम बनाओ, बन जाएगा तो दिखाना। स्लाइस स्लाइस चीज लूंगी। वो पता को दे दीजिए ना, ये बंद हो रही है। अच्छा, देखो खिड़की को बंद करना पड़ेगा, हवा चल रहा है ना। नहीं, खिड़की नहीं बंद करूंगी तो हवा चलेगा ना, पर्दा तो उड़ेगा ही बार बार। नहीं 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 देखो, थोड़ी ना अंधेरा हो जाएगा, पूरा तो लाइट है। ये वाला कर देना, ये वाला। हाँ, चीज को ले आओ फ्रिज से, ना ला दो। ला दीजिए ना प्लीज। ला देती हूँ, रुक जाओ, देखोगी लग जाएगा। इसको दे देते हैं चीज, अमूल का ये वाला है, स्लाइस वाला। स्लाइस चीज है यही, देखिए ये भी बनाया है, ब्रेड बर्गर। ब्रेड बर्गर। अच्छा, कैबेज भी दोगी तुम इसमें? हाँ, खाना पड़ेगा, फेंकने नहीं दूंगी। हाँ हाँ, कैबेज का ओनली लिप्स, नॉट कैबेज पूरा, वो तो लिप्स ही है। नहीं, अंदर अंदर कितना छोटा छोटा रहता है। अच्छा, उसको तुम अलग से सोचती हो, पूरा ही पूरा ऐसा। और थोड़ा दो उसमें, चीज के ऊपर डल गया, उसमें साइड में दो। इतना ही दूंगी। कैसा लग रहा है? बहुत से ज्यादा लेमन, उसका कैरेक्टर निकालना से हेल्प मैं कर लेती हूँ। उसका चीज भी सच में बहुत अच्छा बना है, चीज में एकदम से मेल्ट हो गया है, दिख तो बहुत अच्छा रहा है। और मुझे बोल रही है कब खिलाओगी मुझे? कल तो नहीं हो सकता, परसों भी नहीं हो सकता, नर्सों खिला दूंगी। कल परसों का क्या करने वाली हो तुम? बिजी हो? बिजी हो? आज टाइम ना, उस दिन मन नहीं करेगा। अच्छा, तुमको मन नहीं करेगा, हम लोग तो खा सकते हैं। बना दूंगी। बना दोगी ना? वो बोल रही है हम लोग के लिए कल परसों नर्सो कभी भी हो सकता है, उसका जब मन करेगा वो हम लोग के लिए बना देगी। रुको रुको रुको, तुम नहीं करने सकोगी, पलटी नहीं करने सकोगी, मैं कर दूंगी। वैसे नहीं होगा बेटा, सब गिर जाएगा, चीज वगैरह जितना भी रखे हो ना सब गिर जाएगा। कितना मेहनत लगता है ये सब बनाने में। हाँ सही बात है, मेहनत तो बिल्कुल लगता है, बिना मेहनत का थोड़ी ना कुछ चीज मिलता है। तो तुम अपना खाओ, है ना, ये वाला तुम अपना खाते रहो, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगी। और कितना टाइम हुआ है पता है, मैं आप लोग को दिखा दूंगी। चलिए रूम चलते हैं, फिर दिखाती हूँ कितना टाइम हो गया है। बहुत, ये देखिए 4 पार कर चुका है, अभी मैं आई हूँ रेस्ट लेने के लिए। घड़ी में 4 भी पार कर चुका है, अभी 4 पार कर चुका है, और अभी अभी आ रही हूँ मैं रेस्ट लेने के लिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता है उसको भूख लगा ना, तो फिर कैसे छोड़ के आ सकती हूँ। बोली कि वैसे खाएगी तो खाओ, पर मुझे रहना जरूरी था वहाँ पर, तो अच्छा लगा, चलिए उसको अपना पसंद का मिल गया। और मैं पर अभी थोड़ा सा आधा घंटा जैसे रेस्ट लूँगी, और जब तक वो खा लेगी, और मैं उसको बोली ना कि तुम्हारा जैसे खाना हो जाएगा मुझे बुला लेना, कि वो साइकिल चलाने जाएगी क्या करेगी, तो मेरा रहना वहाँ पर ज़रूरी है, क्योंकि उस दिन आपको दिखाई ना कि उसका हाथ कट गया है, पता नहीं गिरेगी क्या करेगी, डबल बैठा लेती है, वही प्रॉब्लम है ना, उसको बोल के भी नहीं सकते हैं।
तो चलिए मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लेती हूँ। तो आज का ब्लॉग आप लोग को कैसा लगा, हम लोग का यहाँ का पूजा पाठ सब कुछ, तो कमेंट में बताना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर से कर दीजिए। तो चलिए मैं थोड़ा रेस्ट ले लेती हूँ, नेक्स्ट और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।